श्री गंगानगर में रायसिंह नगर की कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब किसान और व्यापारियों ने मिलकर मंडी के मुख्य गेट को बंद कर दिया और इससे मुख्य हाईवे पर लंबा जाम लग गया। किसानों ने बताया कि पिछले 5-7 दिनों से गेहूं लेकर मंडी परिसर में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से गेहूं खरीदा ही नहीं जा रहा। व्यापारियों और किसानों ने तिलम संघ के अधिकारियों पर मनमर्जी का आरोप लगाया और ये भी कहा कि अधिकारी प्रभावशाली लोगों से पैसा लेकर बारदाना वितरित कर देते हैं। दूसरी ओर कृषि उपज मंडी समिति के सचिव महिपाल का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं में नमी और साथ ही कलर खराब होने के चलते एफसीआई के अधिकारियों ने खरीद को बंद कर दिया, जिस पर उच्च अधिकारियों ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अवगत करवाया है और साथ ही उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शीघ्र ही गेहूं की खरीद पुनः चालू कर दी जाएगी। भारत सरकार ने गेहूं खरीद में जो मापदंड बना रखे है वो बिल्कुल किसान विरोधी है। जबकि बरसात आई है, ऐसी मुसीबत के अंदर किसान क्या करे। अब बरसात आई है और गेहूं काट के वो जब मंडी के अंदर ला रहा है तो ये सैंपल के नाम से, गेहूं खराब के नाम से खरीद जो है इन्होंने 3-4 दिनों से जो है बंद कर रखी है। जबकि सड़कों के ऊपर हज़ारों क्विंटल गेहूँ जो है वो मंडी के अंदर आई हुई है। निश्चित तौर से ये किसान को बर्बाद करने की नीति है। हम किसान चाहते हैं कि जो पूरी की पूरी गेहूँ है वो केंद्र की सरकार है वो खरीदे और किसानों को राहत प्रदान करे। एक तरफ तो किसानों को बीमे के नाम से लूटा जा रहा है, केसीसी के नाम से, दूसरी तरफ जो बची खुची फसल है वो मंडी के अंदर लेके आते हैं, तो भारत सरकार के ऐसे मापदंड है कि वो अपनी फसल